एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैंने सोचा लोग ऐसे ट्राई करते हैं, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, तो करी थी। तो हाँ, विहान वहाँ पे यूँ ही पढ़ रहा है अभी, उसका कोई ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा। तो उसको, उसकी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। और फिलहाल टाइम हो रहा है 8 का, और धूप लगी है, रात में बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़। और क्या बताऊँ, और फिलहाल जो अभी मैं ब्रेकफास्ट प्लस विहान के लंच की तैयारी कर रही हूँ, और साथ ही साथ घर वाले बता देती हूँ। बड़े पापा नीचे झंडा लगा रहे, बड़े पापा और लामा जी आए हुए, वो झंडा लगा रहे। पिछली बार नहीं लगाया था, टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गए थे, तो सुबह ही लगता है झंडा। तो लामा जी आए हुए, वहाँ झंडा लगा रहे। बाकी मम्मी कहीं फंक्शन में जाने वाले, तो मम्मी नहाने गए, तो मम्मी आज कहीं जा रहे, वहाँ कुछ फंक्शन है। बाकी छोटे पापा जो है वो विवान को देख रहे, बड़े पापा लामा जी के साथ है, छोटे पापा विवान के साथ है, और जो मम्मी नहा रहे, विहान मेरे साथ है, दीपक भाई सब सो रहे हैं। तो दीपक के मजे हैं फिलहाल। और बाकी देखते हैं क्या रहता है दिन भर। नो टिम टिम नहीं मिटता बेटा, मत करो। तो विहान को मैंने आज गलती से पेन क्या दे दिया, भाई साहब ने खेलना स्टार्ट कर दिया, अपने हाथ पे लिख रहा है। तो नहीं टिम टिम मत दिखो, नहीं मिटेगा, फिर नलाऊंगी मैं देखना। नहाने के नाम से तो भाई सबको वैसे भी बहुत डर लगता है। तो फिलहाल जो है आटा बच गया था उस दिन, जिस दिन पूजा हो रही थी उस दिन का, तो फ्रिज में डाल दिया था, खट्टा आटा था। तो अभी मैं उसकी पूरियाँ बनाऊंगी सबके लिए, चाय के साथ, नमकीन चाय के साथ पूरियाँ। बाकी देखते हैं क्या रहता है दिन भर। और कल शादी वाला जो व्लॉग था, मैंने बताया था कि शादी जा रही है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, और काफ़ी लोगों ने बताया भी था कि वो कुल्लू से है। तो प्रॉपर डिटेल्स अगर मेरे पास, वैसे कार्ड पहुँच चुका है, मेरे हाथ में नहीं पहुँचा अभी तक। अगर पहुँच गया शाम तक, तो मैं आपको पूरे तरीके से बताऊँगी कि हम कैसे क्या शादी जा रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या रहता है दिन भर। तो टीम टीम ने ना आज पहना है मंडे वाला ड्रेस, सैटरडे को है ना, क्योंकि अच्छा चलो, क्योंकि उसको जैकेट मैचिंग करना था, क्योंकि जैकेट में ही वाला जैकेट और शर्ट में और पैंट में। चलो चलो निकलो। सो दैट वाज द रीज़न क्योंकि ये कपड़े पहनने का थे। देखो वहाँ मीटिंग आओ ना, बोलो आज मेरे स्कूल में मीटिंग आना, बोलो स्कूल आना, बोलो वहाँ, बोलो तेते वहाँ, देखो वहाँ पर तेते गाय के पास, देखो वहाँ इच्छी के पास तेते बैठ के। गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 12 का, और मैं फोन हाथ में पकड़ रही हूँ, तो विवान आ रहा है, वहाँ डाल रही हूँ। तो भी विवान यहाँ से आ रहा है, विवान को आज मैंने जैकेट डाला क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो गया है, तो इस करके विवान को मैंने जैकेट दिया हुआ है। और जो हाथ लगा रहा है कि फ़ोन पकड़ूँ मैं, भाई सबको भी बहुत शौक है, भाई सबको भी बहुत शौक है, वहाँ कैमरे मैन का मारे खबर है लड़की। तो फिलहाल मम्मी चले गए, मम्मी जा रहे हैं कहीं फंक्शन में, फंक्शन में उसकी एक शुकुत बोलते हमारे यहाँ, तो बधाई शुकुत बधाई,
जब देवता जी को बुलाते अपने घर में तो उसको बोलते शुकु हमारी लैंग्वेज में ऐसे बधाई होगी वैसे हो। तो मम्मी गए उसके लिए नागपुर और घर पे आज मैं हूँ और दीपक और विवान है फिलहाल। छोटे पापा पेरेंट्स मीटिंग गए, आज पेरेंट्स मीटिंग थी, मैंने जाना था बट मम्मी नहीं थे विवान को देखने के लिए। और बाकी भाई साहब किसी बस मानता नहीं है तो एक दो घंटे तो लग ही जाने थे आराम से, 2-3 घंटे। तो इस करके फिर मैं नहीं गई, मैंने छोटे पापा को भेजा है पेरेंट्स मीटिंग, बड़े पापा अपने काम से ऑफिस के काम से जो भी जाते हैं वो चले गए, बाकी दीपक मैं और विवान है, मम्मी भी चले गए। तो फिलहाल जो है दिन तो हो गई, बस साफ़ सफाई नहीं हो पाई है क्योंकि विवान के साथ ना कुछ भी नहीं कर पाती। तो अभी मैं इसको बाहर वॉकर में डालूंगी, मतलब मौसम तो ख़राब है पर इतना भी ख़राब नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बट हवा चल रही थी तो इस करके मैंने जैकेट पहना दिया था। तो विवान को मैं भी बाहर भेजूँगी और फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी, हाँ फिर झाड़ू मारूँगी। विवान भी बड़ा हो गया ना, देखते देखते विवान ये ब्लॉगिंग के साथ साथ मेरे को एक साल भी होने वाला है ब्लॉग बनाते बनाते, अभी नहीं पर नेक्स्ट मंथ में कोई एक साल होने वाला है तो उसकी सेलिब्रेशन भी करूँगी मैं। तब तक भगवान करे कि 10K हो जाए, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि 10K हो जाए और होना एक साल के अंदर 10,000 तो हो गए सब्सक्राइबर, ऐसा तो हो जाए कम से कम। बाकी कुछ नहीं यार, बाकी देखते हैं क्या रहता है दिन भर। फिलहाल तो भाई साहब के ठाई ठाई खत्म हो तो बात हवा चली बार हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। Later. Hey everyone, good evening. तो अभी टाइम हो रहा है 7 का और फिलहाल मुझे तो गुस्सा आ रहा है, विवान इतना इरिटेट करता है, विवान नहीं विहान तो बेचारा बैठा हुआ है, विहान फोन नहीं खुलता, दीपक ने अपना फोन दिया हुआ है तो उसका पैटर्न नहीं खुल रहा है, वो मेरे दिमाग खराब कर रहा है। तो बच्चों के साथ ऐसे ही रहता है यार। और दिन के बाद ब्लॉग शूट नहीं किया, इनका मेन रीज़न यही था कि विहान स्कूल से आज 1 बजे आ गया था और पापा पेरेंट्स मीटिंग गए थे तो पापा ले आए थे उसको, और उस चक्कर में इसने दिन भर जो दिमाग खाया है मेरा अच्छा खासा, तो इस करके बता रही हूँ। बाकी आज वैसे भी उसको होमवर्क नहीं कराया, कल तो संडे था तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। और बाकी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या लगा रही थी क्रीटे में, तो उसमें गोबर था वो डाल रही थी मैं यहाँ पे किचन गार्डन में जो हमारे सामने, तो ये पिछले कल मम्मी ने टमाटर शिमला मिर्च वगैरह बहुत कुछ भेजा था तो उसमें बस वो गोबर डाल रही थी। बाकी मेरे फ़ोन का कवर आया है, मैं आपको अपने फ़ोन का कवर दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, मतलब अच्छा ही है, मतलब ठीक है, मैंने इसी मंगाया था ऑनलाइन बट आ गया तो ले लिया, मैं आपको दिखा जिंगल मैन। तो मैंने ये वाला बैक कवर मंगवाया है क्योंकि मेरा वो वाला कवर जो था ना उससे मेरे मतलब अंदर का जो कलर है वो निकल रहा था फ़ोन का, तो इस करके मैंने ये मंगवाया, ठीक है अच्छा है, मतलब क्वालिटी इतनी खास भी नहीं है उसमें, अच्छा दिख रहा था इतना खास तो नहीं है बट ठीक है चलो ओके अच्छा है। तो कुछ दिन तो हर एक चीज़ अच्छी लगती है, नहीं नहीं हो तो। बाकी विवान यहाँ पहुँच गया, जैसे ही मैं पानी खोलती हूँ सीधे पहुँच जाता है यहाँ पे, है ना, चलो जाएंगे आ जाओ, पानी नहीं खेलना यहाँ पे, आ जाओ चलो 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 व्यो चलो आ। तो अभी जिंगल मैन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये तो इतनी शरारती करता ना मत पूछो, शरारती हो ना। बाकी यार आज टीवी भी नहीं आ रहा, नो सिग्नल है टीवी में। हाँ जी अब खेलो, क्यों गाली मारा, आप शरारत बहुत ज़्यादा करते हो ना इस करके, ओके नहीं मारेंगे सॉरी, अब रोएगा सॉरी भी नहीं बोल सकते इस भाई साहब को। तो बाकी फ्रंट कैमरा करके मैं आपको एक न्यूज़ देती हूँ। तो मैं बता रही थी आपको कि 7 तारीख को मेरे को एक साल होने वाला है, नेक्स्ट मंथ जून को, 7 जून को मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो 7 तारीख को नेक्स्ट मंथ जो है मेरे घर में मेरे मायके में मेरे ननिहाल से देवता जी लेके आ रहे, तो वहाँ पे बधाई जैसे शुकुद बोलते ना तो उस तरीके का बधाई है, मतलब खुशी से देवता जी लेके आ रहे। तो
इस करके मैं तो वहाँ चली जाऊँगी। मैं भूल गई थी कि 7 तारीख को हमारे घर में ऐसा है, तो बहुत चीज़ें कॉमन कॉमन सी, जैसे 7 तारीख को विवान पैदा हुआ है, 7 तारीख को मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मतलब, और साथ 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 मेरी लाइफ में 7 का बहुत ज़्यादा ही वैल्यू है कुछ। 7 को विवान पैदा हुआ है, 7 सितारों को विहान पैदा हुआ है, 7 फिर आ गया, 27 को मैं और 27 को ही दीपक, तो 7 7 7 हम चारों की डेट ऑफ बर्थ में। और 7 तारीख को ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था, 7 जून को, तो मानता लगे। बाकी 7 तो सबके ही मतलब होता है ना, 7 नंबर लकी है, पता नहीं क्या है, 7 नंबर है ही हमारे उसमें। बाकी देवता जी भी 7 तारीख को ही ला रहे हैं, 7 जून को, तो 7 जून को मैं अपने मायके जाऊंगी। वो भी आपको आगे ब्लॉग मिल जाएगा। बाकी फिलहाल तो कुछ खास है नहीं ब्लॉग बनाने के लिए, तो आज के ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वो साथ ही साथ मैं यही बोलना तो भूल गई कि नेक्स्ट मंथ मुझे, जैसे कि मैंने बताया, 1 साल हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि 1 साल होते होते मेरे 10K तो हो जाएं, क्योंकि 10,000 होने ही वाले हैं। अभी 9.1 है, बट 900 900 या 800 900 होने में टाइम लगेगा, बट प्लीज़ कर दीजिए ताकि 10,000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाए। तो जब भी अगर आप वीडियो देख के जा रहे हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो करें करें, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें यार प्लीज़।